नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र चोपड़ा। आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज़ और आज मैं हम लोग आए हुए हैं नारगढ़। देख रहे हैं कितनी प्यारी खूबसूरती है, पूरा जयपुर यहां से नज़र आ रहा है। आप देख रहे होंगे पहाड़ियां बिल्कुल हरी भरी है। और इस जगह के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा, ये अपने बगल में है बावड़ी, जयपुर की बहुत प्यारी लोकेशन है नारगढ़। यहाँ पर काफ़ी लोग घूमते हैं, घूमने के लिए आते हैं, बाहर से भी आते हैं लोग, ठीक है। मैंने यहाँ लोगों से बात की, लोगों से पूछा, मौके पर खड़ा हूँ मैं, इस बावड़ी में पानी नहीं है, इतनी बारिशें हो चुकी है, कितनी बार बारिश हो चुकी है, कितनी बारिश बरस चुकी है, लेकिन इस बावड़ी में पानी आप देखें बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ का मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मौके पर देखते हुए यहाँ की मेंटेनेंस के इतनी कॉस्ट आती है, इतना पैसा आता है, लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस जीरो कर रखा है लोगों ने, बिल्कुल पानी नहीं है। मैंने यहाँ से लोगों से पूछा तो मैंने बोला लोगों को, भाई साहब पानी क्यों नहीं भरता है यहाँ पे? तो उन्होंने बताया कि सर इसमें लीकेज है, बहुत जगह से पानी नहीं रुकता है। कुछ लोग हैं जो बाहर जो खड़े हुए हैं, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊँगा, अभी उनसे पूछताछ करूँगा, वो मुझे बताएँगे कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएँ हैं। मौके पर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल भी पानी नहीं है, आप देखें तो। ये मेंटेनेंस इतना पैसा लेते हैं, किस चीज़ का पैसा लेते हैं कि ये चीज़ें मेंटेन नहीं कर रहे हैं? तो इतना पैसा आता है पब्लिक से, यहाँ पे विजिटर आते हैं, इतना पैसा देते हैं, इतना पैसा आने के बाद में भी मेंटेनेंस ना हो तो इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा? इसमें पानी भरा हो तो लोग और भी आएंगे, देखेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। यही शिकायतें आज आ रही है सामने, बहुत लोगों से पूछा मैंने रास्ते में। तो देखिए मैं मौके पर हूँ अभी, और अभी हम आपको थोड़ी देर में लोगों से मुलाकात कराएंगे, जो जितने जिन्होंने बताइए मुझे समस्या क्या क्या है यहाँ पे, उनसे बताएंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपनी बावड़ी के पास। जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ तो मैंने देख काफ़ी लोगों से बातचीत की, लोगों से पूछा, तो काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ लोगों के पास, लोगों की समस्याएं भी हैं जो अब हमें कुछ लोग बताने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों से मैंने पूछा भी कि इस बावड़ी में पानी नहीं भरता, क्यों नहीं भरता इसमें पानी, क्या रीज़न रहा है? तो लोगों ने मुझे बताया है, बट कोई कैमरे के सामने नहीं आया है, वो किसी की पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन एक शख्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं और वो हमें बताएंगे कि यहाँ पानी क्यों नहीं भरा जा रहा है। आइए सर, आपका नाम बताएं मुझे। मेरा नाम राम लक्ष्मण मीणा है। मीणा जी, आप मुझे बताएं कि यहाँ पानी क्यों नहीं भरता? ये पानी पीछे जंगल में पर ये इनके दौरे बने हुए हैं, अच्छा। वो टूटे हुए, गवर्नमेंट इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, तो पानी क्या जंगल में वहाँ टूटे से निकल जाता नहीं, नाले बने हुए इसके, पहले ये नालों का सफाई होती थी तो इनका पानी पूरा जंगल से बावड़ी में आया करता था, और अब इन लोगों ने बावड़ी के भी है जो गेट लगा दिए, ये भी गलत है, क्योंकि जीव जंगली जीव पानी पीने कहाँ जाए, जंगल में कोई पानी की व्यवस्था है नहीं, तो जीव यहाँ अंदर तक आ जाते हैं, पानी मिलता नहीं है। एक आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि रास्ते में चीज़ें टूटी हुई हैं, वहाँ से पानी प्रॉपर नहीं आता है, ठीक है। दूसरा मुझे ये बताओ कि इसमें जो बारिश का डायरेक्ट पानी भी आता है आसपास का नियर बाय का, वो उतना पानी भी यहाँ पे मुझे इकट्ठा होने नज़र आ रहा, तो ये क्या लीकेज है या कुछ और है? लीकेज भी है ना, इसमें से पानी निकलता है नीचे, जड़ के नीचे, पहाड़ी के नीचे चला जाता है ये, तो इसकी मरम्मत का काम भी हो, पहले भी गवर्नमेंट ने करवाया था, वो यूँ ही ऊपर इसी के ऊपर बिना सफाई के यही मलबा डाल डूल के चूना डाल के कर दिया काम। जैसा कि आपने सुनाया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने नीचे आपको बताया था बावड़ी में जाकर के कि वहाँ मौके पे कितना पानी है कितना नहीं है, ये चीज़ें मैंने यहाँ से लोगों से पूछी है। तो इसमें लीकेज है, मेंटेनेंस ज़ीरो है, इतना पैसा आता है यहाँ पे, ठीक है, इतनी टिकट्स लेनी यहाँ पे चलती हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे ज़ीरो है। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये हमें बताएं। और मुझे ये भी सुनने में आया कि यहाँ पे समस्या और भी है, यहाँ पे एक शौच नहीं है, टॉयलेट नहीं है, यहाँ पे कोई भी किसी को टॉयलेट करना हो तो उसके लिए स्पेशल टिकट लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा बाहर आप देखोगे जयपुर में जगह जगह टॉयलेट बने हुए हैं, वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है, वहाँ फ्री सेवा आपको दी जा रही है टॉयलेट के लिए, लेकिन स्वच्छ भारत बोलते हैं, लेकिन नारगढ़ में एक भी शौचालय आउटसाइड नहीं है, सारे शौचालय इनसाइड है, टिकट दो, हर कोई बंदा टिकट नहीं ले सकता है, कुछ लोग बाहर से घूम के भी जाते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो एक शौचालय होना चाहिए है। बहुत लोगों से मैंने बात की है, यहाँ पे एक भी शौचालय है? एक भी शौचालय नहीं है, बाहर की तरफ पे पब्लिक पूछती है शौच करने कहाँ जाए, हम कहते भाई अंदर है नहीं, अंदर जाओ टिकट ले हो, तो वो अंदर जाते हैं, फिर टिकट लेना जरूरी है। यहाँ बाहर और कोई है जो बताया गया टॉयलेट है बाहर? ना सर, छोड़िए, यहाँ कोई टॉयलेट नहीं है सर, यहाँ पे हर जो भी टूरिस्ट आता है वो सब परेशान होते हैं, यहाँ कोई टॉयलेट नहीं है,
जब भी टूरिस्ट आता है उनको हम बोलते हैं सर यहाँ टॉयलेट है, बोले नीचे देख रहे हैं कि जैसे मैंने बात की यहाँ पे कोई भी टॉयलेट नहीं बना हुआ है। दूसरा, कोई एक भी वाटर कूलर बाहर नहीं लगा हुआ है, जिस तरह से मैंने बातें की थी कोई भी वाटर कूलर नहीं लगा हुआ है। किसी को पानी पीना हो, किसी को कोई समस्या हो कि इमरजेंसी किसी को पानी पीना हो, ये बातें मतलब आप देख रहे हैं मौके पे छोटी छोटी चीज़ों के पीछे गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया हुआ है। नारगढ़ जैसी खूबसूरत जगह आप देख रहे हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। सबसे मेन चीज़ भी यही है, टॉयलेट और पानी, और ये दोनों ही चीज़ आउटसाइड नहीं है। अब हर एक चीज़ के लिए टिकट देनी पड़े तो यहाँ लोगों को परेशानी की वजह से हर कोई पैसा नहीं दे सकता है। लोगों ने बताया कि इमरजेंसी में फिर लोग या क्या है खुले में ही चले जाते हैं। अब खुले में लोग जाएंगे तो खूबसूरती ख़राब होगी होगी, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है प्लीज़ इसका हमें जवाब दें। लोगों से हमने बातें की हैं, लोगों की बातें सामने आई है, तब हमें ये चीज़ें पता लगी है। यहाँ का स्टाफ भी है, अगर स्टाफ को पानी पीना हो, शौचालय जाना हो, टॉयलेट जाना हो, कोई भी सुविधा नहीं है। अब स्टाफ तो 24 घंटे ड्यूटी करता है, डेली करता है, क्या स्टाफ को भी डेली टिकट लेनी पड़ेगी? कम से कम गवर्नमेंट को इतना तो सोचना चाहिए। यहाँ पे इतना स्टाफ है, आप एक बार स्टाफ दिखाएं कंप्लीट, देख रहे हैं आप इतना स्टाफ है, ये डेली स्टाफ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टाफ को डेली टिकट लेंगे तो भाई साहब क्या सैलरी बचेगी इनकी? या तो सारी सैलरी यहाँ लगा दें, पानी पीने में लगा दें, या फिर आपके टॉयलेट में लगा दें। तो ये बेसिक चीज़ है, गवर्नमेंट क्या कर रही है चीज़ के लिए? कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ लोगों के लिए हो या ना हो, विजिटर के लिए हो या ना हो, चलो ठीक है एक वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो डेली के स्टाफ हैं उनके लिए भी शौचालय नहीं है, उनके लिए भी पानी नहीं है। क्या यहाँ शौचालय है आप लोग के लिए डेली के लिए? आप लोग डेली फिर कैसे मैनेज करते हो? डेली मैनेज कैसे करते हो? नहीं सर यहाँ नहीं है, वैसे ही जाना पड़ता है हमारे को, वैसे ही खुले में सब चले जाते हैं। और पानी पीना हो तो उसके लिए क्या करते हैं हमारे को? वहाँ टिकट देने पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, कुछ नहीं है। हर चीज़ के लिए टिकट देना पड़ता है, ये खुद परेशान है। मैं तो खुद कहूँगा कि ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि डेली आप पैसा दे सकते हो। तो इस पर चीज़ें ध्यान दें, इसका सॉल्यूशन निकालें, और स्टाफ को भी राहत मिले इन चीज़ों से। टैंकर मंगवाते पानी का, ये पर्सनली कुछ लोग टैंकर भी मंगवाते, पर्सनली टैंकर मंगवाते हैं, बताया कि 1000 रुपीज का ट्रैक्टर आता है, मंगवाते हैं मंदिर के पास में, टंकियाँ रखी हुई है, आप देख सकते हो। बताएं कुछ आप कहना चाह रहे हैं? सर इधर फैसिलिटीज नहीं है, वॉशरूम वगैरह की, वही सारी समस्या यही है। मैं जितने भी लोगों को पूछ रहा हूँ सब लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पे टॉयलेट के लिए फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, और पीने का पानी, ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये का टैंकर हम पर्सनली डलवाते हैं, तो ये पर्सनल कब तक डलवाते रहेंगे? जी हाँ क्या करें, तो जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा तो डलाना ही पड़ेगा। समस्या कितने टाइम से? शुरू से समस्या है, अभी तक इसका कोई सोल्यूशन निकला है? यहाँ कभी कोई आया है जिसने कभी इस चीज़ के बारे में पूछा? बोलते हैं कोई नहीं पूछता, यहाँ नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है, यहाँ पे कोई नहीं आया है। लेकिन आज हम लोग आए हुए हैं, जनता दरबार न्यूज़ चैनल आज यहाँ पे आया हुआ है, और जनता दरबार आपको सबको इस चीज़ का सोल्यूशन देगा, और बहुत जल्द यहाँ पे चीज़ें आपको मिलेगी। बिल्कुल, आपके सामने सारी बातें की हैं, आज हर कोई हर किसी की नज़र में है, ऐसा नहीं है ये चीज़ आपकी। हम परेशान है चीज़ से, वॉशरूम से वगैरह भी और पानी से भी, हर चीज़ का इसका सोल्यूशन करके ही जाना, आए हो ना आप तो करके ही जाना। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसका सोल्यूशन निकालें बहुत जल्द, यहाँ बहुत लोग परेशान हैं, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सबकी मैंने समस्याएं आपके सामने रख दी है, और भी कोई समस्या होगी तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। धन्यवाद।